उसका अगर लुआब कपड़े को लग जाए तो कपड़ा पलीत,
अगर उसका जवाब जिसम को लग जाए तो जिसम को नहीं, लेकिन शिकारी कुत्ता सिखाया हुआ कुत्ता अगर शिकार पकड़ के लाता है तो वो जो है खाना भी हलाल और उसका पकड़ना भी हलाल। तो आप देखेंगे है वो भी कुत्ता जो आप गली मोहल्ले में रहता है वो भी कुत्ता जिसको सिखाया गया है। तो सिखाने की वजह से, इल्म की वजह से अल्लाह उस कुत्ते का पकड़ा हुआ हलाल कर देता है और आम कुत्ते का पकड़ा जो है वो हराम हो जाता है। तो बताने का मकसद ये है कि इल्म एक ऐसी चीज है कि अगर ये जानवर को भी आ जाए तो वो जानवर भी अल्लाह की बारगाह में रुतबे और अजमत वाला हो जाता है। जे जाए कि जब इंसान जो है इस इल्म के नूर से सैलाब होता है तो अल्लाह का ऐलान है यस्तबिल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, के जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते, बल्कि जिनको इल्म आ जाता है अल्लाह उनका रुतबा जो है बढ़ा देता है। और ताजदा रेखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तलबुल इल्म अफ़ज़ल मिन सलातिन ने फरमाया इल्म का हासिल करना ये नमाज से भी अफजल है, इल्म का हासिल करना ये रोजे से भी अफजल है, इल्म का हासिल करना जिहाद से भी अफजल है, इल्म का हासिल करना ये जो है हज से भी अफजल है। क्यों? कि इल्म के साथ की जाने वाली थोड़ी सी इबादत बगैर इल्म के होने वाली सारा आसान की इबादत में जो है ज्यादा भारी होती है। तो अल्लाह की हुजूर इल्तिजा है कि अल्लाह हमें इल्म की राहों का मुसाफिर बनाए। इसी तरह मैंने एक खुतबे में यह हदीस बयान की थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के आलिम के पीछे नमाज पढ़ना, आलिम के पीछे वो 70 नमाजों के बराबर है, यानी आलिम के पीछे एक नमाज जो पढ़ी जाती है वो 70 के बराबर। क्यों? ये फजीलत क्यों है? हालांकि जो इमाम आलिम नहीं है वो भी उसी तरह रुकू करता है, सजदा करता है, तिलावत करता है, उसी तरह सलाम फेरता है, सारे मामलात होते हैं, लेकिन आलिम इमाम के पीछे 70 गुना ज्यादा क्यों दर्जा हासिल है? इसलिए हासिल है कि वो जो आलिम इमाम होता है वो नमाज के हर रुकन के बारे में इल्म रखता होता है, उसको पता होता है कि इल्म के मुताबिक कुरान हदीस के मुताबिक क़याम कैसे करना है, रुकू कैसे करना है, सजदा कैसे करना है, कहां पे सजदा साफ करना है, कहां पे नहीं करना है, कैसे नमाज टूट जाएगी, कैसे नहीं टूटेगी, ये भी हर हर रुकन के बारे में इल्म रखने की वजह से जो है उसके नमाज को ये 70 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है हदीस की रोशनी में। तो इसलिए मैंने अपनी एक जिंदगी की ये आदत है कि जहां जहां पर भी अल्लाह ने काम की तौफीक अता फरमाई है तो मेरी पहली तरजीह ये होती है कि हम अपनी कौम को इल्म की राहों का मुसाफिर बनाए। तो सिर्फ जो है मिर्द वजीफे की हद तक रखना, सिर्फ अपने आप को चंद वज़ाइफ़ और मामूलात तक रखना और उसके बारे में इल्म तक करना होना ये एक नामुनासिब बात है। तो आज की इस सवाल जवाब की नशिस्त की इब्तिदा जो है मैं एक एतिकाफ के मसले से कर देता हूँ और एक तरावी के मुताबिक मसला, ये दो मसले मैं आपको आगाह करता हूँ। इसके अलावा आप में से जिस नमाजी के जहन में कोई सवाल हो वो पूछ सकता है ताकि उसके मुताबिक जो है जो आप दिया जा सके। एतिकाफ के हवाले से एक मसला ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला परसों से पाकिस्तान में भी और दीगर इस्लामी मुल्कों में भी जहाँ जहाँ पर 20वां रोजा होगा वहाँ 20वें रोजे से जो है एतिकाफ सुन्नत का जो है वो आगाज हो जाएगा। तो एतिकाफ करने वाले साथियों के लिए अक्सर पूछा जाता है कि इनकी क्या पाबंदी है, क्या इनकी शरायत है और क्या इनका तरीका है। तो इंशाल्लाह यहाँ पर तो जो साथी भी एतिकाफ की सादत हासिल करेंगे उनके लिए मैंने एक शेड्यूल क्लास का बकायदा जो है वो बना दिया है। इंशाल्लाह 3 घंटे रोजाना उनकी क्लास होगी, बकायदा तरबियत होगी, डेली बेस पे उनको बता दिया जाएगा कि आपने एतिकाफ शरीयत की रोशनी में किस तरह करना है। और उसमें 2 दिन मेरे हैं शायद और 4 दिन हमने अपने स्टूडेंटों को जो है वो साथ सिखाने के लिए दिए हैं क्योंकि वो आपको इंशाल्लाह आगे तरबियत करेंगे। तो इसमें एक चीज बताने खास जो आमतौर पर कही जाती है कि एतिकाफ के हवाले से, एक तो ये है कि कुछ साथी एतिकाफ करते हैं और बिल्कुल बेलगाम और शरीयत की हदूद को कलंक कर देते हैं,
के इंतकाफ में बैठ गए, हर किस्म की बातें इधर उधर की मतलब तबीलात इधर उधर की तमाम सरगोलियाँ कहानियाँ वो 10 दिनों में आके मस्जिद में डिस्कस करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इंतकाफ का मकसद ही ये है कि आप 10 दिनों के लिए अपने आप को अल्लाह की रजा और अल्लाह की खुशनूदी के लिए किसी जगह में जमा के रख लें। तो अगर यहाँ पे भी आके कोई बंदा अपनी दुनिया की सारी बातों को जो है वो करेगा तो वो इंतकाफ की रूह के खिलाफ होगा। ये भी बिल्कुल बेलगाम बातें करना भी गलत है, और बस जगहों पे इस हद तक पाबंदी होती है कि वो जरूरत की बात भी न करे तो ये भी गलत है। जरूरत की बात कर सकता है, उसको किसी चीज की जरूरत है, कोई चीज उसने मंगवानी है, किसी चीज की तलब है, ये कर सकता है। दूसरा आमतौर पर ये पूछा जाता है कि जब इतिकाफ वाला इतिकाफ में बैठ जाता है तो उसके लिए मस्जिद के हवाले से क्या हल है। तो याद रखना मस्जिद की 2 किस्में होती है, एक मस्जिद हकीकी होती है और एक मस्जिद हुक्मी होती है। मस्जिद हकीकी उसे कहते हैं कि जिसको सजदे के लिए खास कर दिया जाता है, जिस तरह ये मस्जिद का हाल है, इसी तरह ऊपर वाला हाल है, मेहराब की जगह है, वो गैर बरामदे की 2 सफों की जगह है, ये मस्जिद हकीकी है। इस मस्जिद हकीकी में इत्तेफाक वाला जब चाहे जिस तरह चाहे बगैर रोके टोके इन जगहों पे आ भी सकता है और जा भी सकता है। मस्जिद का वो इहाता जो सजदे के लिए खास नहीं है, है मस्जिद में लेकिन सजदे के लिए खास नहीं। अब जिस तरह ये बाहर पार्क है सारी, ये मस्जिद हकीकी नहीं है, मस्जिद हकीकी नहीं है बल्कि मस्जिद हुक्मी है। लेकिन वो जरूरत नमाज के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन आम रूटीन में जो है वहाँ पे जनाजा भी हो रहा है, वहाँ पे चहलकदमी भी हो रही है, वहाँ पे आया भी जा रहा है, जाया भी जा रहा है, बैठे भी है, गपशप भी हो रही है, सारे मामले, तो वो मस्जिद हुक्मी है। इतिकाफ वाला उस मस्जिद हुक्मी में जाएगा तो उसका इतिकाफ टूट जाएगा। इतिकाफ वाले के लिए उस जगह तक पाबंद रहना जरूरी है जो मस्जिद हकीकी के जोर में आती है, और जो फलाए मस्जिद है उसमें वो नहीं जा सकता। और इसी तरह यहाँ पर जो वाशरूम और वुज़ू खाने का सिस्टम है ये मस्जिद के मुंतज़िम है, यहाँ पर भी वो इतिकाफ वाला आ जा सकता है, यहाँ पर भी उसका इतिकाफ नहीं टूटेगा कि ये मस्जिद के साथ मुंतज़िम है। अगर ऐसी मस्जिद के जहाँ पर वुज़ू खाना वाशरूम मस्जिद के साथ मुंतज़िम नहीं है, वो फिनाइल मस्जिद में है, हुक्मी जगह पे, ये जिस तरह बाहर का ग्राउंड है वहां पर है, तो फिर ये इतिकाफ वाला बगैर हाजत के वहां जाएगा तो उसका इतिकाफ टूट जाएगा। तो इसलिए ये 2 बातें इतिकाफ के हवाले से है। इसी तरह जो हमारी महिलाएं घरों में इतिकाफ बैठती है उसके लिए हिदायत ये है कि भाई कोशिश करें कि हर घर में एक कोना जो है वो मखसूस करें, उसको मस्जिदुल बैत कहते हैं, यानी घर की मस्जिद, वो जिस कोने में आम रूटीन में नमाज पढ़ती है कोशिश करें कि वो उस जगह पे इतिकाफ कर बैठे। और उसके लिए भी यही हुक्म है कि जो जगह इतिकाफ के लिए मखसूस कर लेगी वहां से बगैर शरई जरूरत के जो है वो नहीं निकल सकती, और वहां पर बैठे बैठे वो अपनी जरूरत का इजहार कर सकती है, बात कर सकती है, बोल सकती है, अपनी जरूरत की जो है कोई चीज उठा सकती है, एक बात। दूसरी बात जो अभी से कई साथियों ने पूछना शुरू कर दी है और हर साल ऐसा होता है, आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ ये रिवाज है कि 27वीं की रात को जहां जहां पर हमारे कारी साहबान हाफिज साहबान वो तरावी की शक्ल में कुरान मजीद सुना रहे होते हैं, तो उनके लिए हौसला अफजाई का एहतमाम होता है 26 और 27 की दरमियानी रात को, और उसमें हर जगह पे मुख्तलिफ होता है कि कहीं पे उनको नकदी की सूरत पे कोई तोहफे दिए जाते हैं, कोई कपड़ों की सूरत पे दिए जाते हैं, या जो भी जिस तरह हर जगह पे अलग अलग चीज़ का, इसकी शर्त हैसियत क्या है, क्या उनके लिए लेना जायज़ है, क्या देने वालों के लिए देना जायज़ है। याद रखना एक असूली सी बात जहन में रखिएगा कि दीन की खिदमत करने वाला कोई भी शख्स, चाहे वो तबलीग के जरिए कर रहा है, तालीम के जरिए कर रहा है, तरावी की शक्ल में कर रहा है, अल्लाह के घर की खिदमत के किसी भी पहलू से वो कर रहा है,
उसकी जो भी खिदमत होती है, जो भी मुआवजा होता है, वो उस दीन के काम का नहीं होता। हम में से किसी में ये ताकत नहीं कि हम अल्लाह के दीन की एक आयत का भी मुआवजा दे सकते। सारी कायनात की दौलतों के ढेर भी लगा दें, वो अल्लाह के कलाम की एक आयत का भी मुआवजा नहीं बन सकते। ये जो हम खिदमत करते हैं ऐसे अफराद की, वो उनके वक्त का मुआवजा होता है। जो वो वक्त देते हैं अल्लाह के दीन के लिए, मस्जिद के लिए, ये उस वक्त का मुआवजा होता है और इसलिए जायज होता है। लेकिन तरावी की मद में जो खिदमत की जाती है, ये भी उस वक्त के मुआवजे के लिए होती है कि इतना अरसा उन हुफाज़े किराम ने अपना टाइम जो है अल्लाह के घर की आबादी के लिए दिया, अपने आप को उन्होंने पाबंद रखा, इस काम के साथ वो दूसरा काम नहीं कर सकते, और इसकी बुनियाद तब से शुरू हुई, ये भी आपके नॉलेज में होनी चाहिए। इसकी बुनियाद तब से शुरू हुई कि जब यजीद तख्त पे बैठ गया, जब यजीद तख्त पे बैठा तो इसने दीन की खिदमत करने वालों का मुआवजा जो बैतुल माल से आता था यजीद ने आके बंद करा दिया। यानी यजीद से पहले दीन के जितने भी खिदमत गुजार थे उनका मुआवजा बैतुल माल से आता था, हत्ता कि सरकारी सलाम के दौर में, खुलफाए राशिदीन के दौर में, बल्कि सरकार का तो ये तरीका था आप जिस मुबल्लिग को तबलीग के लिए भेजते थे उसके घर में उतने दिनों का राशन पानी पहले बेचते थे और फिर उसको तबलीग के लिए बेचते थे कि ये वहां पे जाकर है मेंटली तौर पर घर के लिए परेशान रहा है। यजीद ने आके बैतुल माल से ये मुआवजा बंद कर दिया। जब यजीद ने ये मुआवजा बंद किया तो जो तालीम देने वाले उलमा थे वो भी अपने काम में बिजी हो गए, जो मस्जिदों में नमाजें पढ़ाने वाले थे उन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया, जो अजान देने वाले थे उन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया। जब उस वक्त के उलमा ने देखा कि भाई ये तो हर शख्स जो है अपने किसी किसी काम पे लगी है और अल्लाह के घर वीरान हो रहे हैं, मदरसे वीरान हो रहे हैं, तो उस वक्त के उलमा इकट्ठे हुए और इस बात को इमाम शामी ने फतावा शामी में जिक्र किया है। तो उस वक्त के उलमा इकट्ठे हुए और उन्होंने इज्तिमाई तौर पर ये फतवा दिया, फैसला दिया। उन्होंने कहा कि जो जो दीन की खिदमत करने वाले दीन की खिदमत सर अंजाम दे रहे थे वो वापस अपनी अपनी ड्यूटी में आ जाए, उनका जो माली मुआवजा है उस आबादी के लोग अदा करेंगे कि वो दीन की खिदमत करेंगे और इसके बदले में उनकी माशी जरूरत है उस जगह के लोग पूरी करेंगे। तो फिर वो उलमा अपने अपने कामों पे वापस लौटे, फिर अल्लाह ताला ने दीन को गलबा अता फरमाया, ये दीन की खिदमत में लगे रहते और इनकी माशी जरूरत जो थे अहले महल्ला पूरी करते थे, और ये इज्तिमाई फतवे के साथ था। और उस फतवे की हैसियत कुरान में ये है कि अदीउल्लाह व अदीउर रसूल व उलिल अमर मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और जो तुमने से साहिब हुक्म उलमा है उनकी इताअत करो। तो ये उनकी पैरवी में जो है ये उलमा वफास पूरा जो है ये मामला करते हैं, तो उनके लिए उस वक्त के मुआवजे के तौर पर जो है ये खिदमत की जाती है। ये इसलिए मैंने बताना जरूरी समझा है कि जहाँ पर इन मौकों पे खिदमत करने वाले होते हैं वहाँ इन्हीं मौके पे वो भी होते हैं जो ये सवाल उठा रहे होते हैं कि मौलवी दीन बेच दे, ठीक है। तो ये दीन का बेचना नहीं है, ठीक है, ये दीन का बेचना नहीं होता बल्कि ये उस वक्त का मुआवजा होता है। अच्छी बात है, उनको देना चाहिए। उन्होंने भी इसी सोसाइटी में रहते हुए, इसी माहौल में रहते हुए जिंदगी गुजारनी है, उनके लिए भी महंगाई हालात वाकियात जो है से उसी तरह होते हैं जिस तरह बाकी अफराद के लिए होते हैं। किसी भी मौलवी साहब के लिए जबीर अलैहिस्सलाम जो है मन मुसलमान लेके नहीं आने के लिए आपने दीन की खिदमत की है, वो चूंकि यहाँ के रहने वाले हैं तो इसी सिस्टम का हिस्सा बन के उन्होंने जो है जिंदगी गुजारनी है। इसके अलावा कोई सवाल आपके जहन में तो आप पूछ सकते हैं। कि अगर एक शख्स आदत है मेहमान बनने किसी के घर में, उसका स्टे जो है वो दीन हमारा जो बताता है कि अगर 2 वीक्स का है तो नमाज़ें कसर है, अगर वो 10 दिन के लिए आपके या मेरे घर आता है और इस मस्जिद में हम उसको इत्तेफाक बिठाते हैं तो उसके लिए नमाज का क्या हुक्म होगा, पूरी के कसर में होगी?
अच्छा सुना है, ये मुसाफिर की नमाज के हवाले से पूछा जा रहा है कि एक मुसाफिर हमारे पास आपके मेहमान बनता है और वो यहाँ पे 10 दिन का इतिकाफ बैठता है, तो उसकी नमाज का क्या हुक्म होगा? तो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है कि जब कोई मुसाफिर किसी भी जगह पे जाके उस मोहल्ले या उस आबादी की मस्जिद के इमाम के पीछे नमाज पढ़ेगा तो वो मुकम्मल नमाज पढ़ेगा। कोई भी मुसाफिर किसी भी जगह जाता है, वहाँ की मस्जिद के इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ता है तो मुकम्मल नमाज पढ़ेगा। अगर यहाँ पे रहते हुए वो अकेली नमाज अपनी नमाज पढ़ता है, मसलन सो गया था, लेट हो गया या उस इमाम साहब के पीछे नहीं पड़ रहा, तो फिर जो है वो 10 दिन एतिकाफ में भी अपनी कसर वाली नमाज पढ़ेगा, 4 फर्ज 2 पढ़ेगा और उसके साथ सुन्नतें पढ़ेगा। और जब मुसाफिर ट्रैवलिंग करना होता है ना, सफर करना होता है, उसमें जो है उसके लिए सुन्नतें भी पास है और नफल भी पास है, सिर्फ 4 फर्ज 2 पढ़ेगा। और जब वो मंजिल पे पहुंच जाता है तो वहाँ के इमाम के पीछे पढ़ेगा, पूरी पढ़ेगा, अगर अकेली पढ़ रहा है तो फर्ज 2 पढ़ेगा, 4 और सुन के साथ। एक जगह पे कुरान पाक पढ़ रहा हो, दूसरी तरफ दूर जगह की महफिल हो रही हो, तो इसके बारे में क्या होगा? दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दुरूद पाक की महफिल हो रही हो या ना शरीफ पढ़ी जा रही हो, उसके बारे में क्या होगा? मैं तो क्या कर रहा हूँ, देखें इस हवाले से पहले भी हमारी गुफ्तगु हो चुकी है कि हमारा दीन इस्लाम वो इतना नरमी वाला और शक्कर वाला है कि वो दीन के मामला में भी एक दूसरे की रियायत करने का, एक दूसरे का ख्याल करने का, एक दूसरे की एहतराम करने का दर्स देता है। अगर कोई शख्स अपनी इबादत कर रहा है तो दूसरे शख्स के लिए ये हुक्म है कि वो कोई भी विद वजीफा करता है, कोई भी तिलावत करता है, तो वो इस अंदाज में करे कि दूसरा जो इबादत कर रहा है उसकी इबादत में खलल वाक़े ना हो। दरूद शरीफ पढ़ने वाले या महफिल करने वाले वो इस तरह ना करे कि उसकी तिलावत में खलल डाले, और ना तिलावत वाला इस तरह तिलावत करे कि दरूद वालों की दरूद में जो है खलल डाले, ये जायज नहीं है। बल्कि दोनों के लिए ये हुक्म होगा कि एक दूसरे की रियायत करते हुए अपनी आवाज को, अपने तरीके को इस तरह रखें कि कोई एक दूसरे की वजह से डिस्टर्ब ना हो। और इसके लिए मैंने दलील भी दी थी कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हजरत अम्मा ऐशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर के पास एक सहाबी रिहाइश पसीर हुए, तो वो रात को कुछ कुछ की बात में जो है अल्लाह का जिक्र करते थे। तो हजरत अम्मा ऐशा ने हजरत उमर फारूक को ये शिकायत की कि भाई हमारे पड़ोस में जो सहाबी रहते हैं कि रात को जो कुछ कुछ की बात में जिक्र करते हैं तो उसकी वजह से हम डिस्टर्ब होते हैं। तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी का मकान में, हजरत उमर फारूक ने उस सहाबी का मकान शिफ्ट करवा दिया था, एक दूसरी जगह उनको जो है मुंतकिल कर दिया था कि आपकी वजह से साफ वाला डिस्टर्ब ना हो। तो इसलिए इबादत में ये रियायत रखना जरूरी है। उसमें तलखी या कोई ऐसी चीज तो नहीं होती है? तलखी तो मस्जिद के पहले भी नहीं होती है। हाँ जी, मस्जिद में तो बदरचा और है पहले दिन से कि भाई अल्लाह के घर में अगर हम अमन दास और ज्ञान मोहम्मद का माहौल नहीं कैद रख सकते तो मस्जिद के बहन फिर क्या हाल है? जी बिल्कुल। सर इसके लिए कल मैं कुछ मैनेज कर रहा हूँ, उस वकील को भी आप चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह इस हवाले से ना कुछ मैनेज कर रहा हूँ, और ये कारी बराबर साहब भी माशाल्लाह आलिम भी है साथ ही, लेकिन मैं भी इंशाल्लाह अपनी खिदमात के हवाले से ना वो थोड़ा मुस्तकिल बुनियादों पर सोच रहा हूँ। वो अगर अटैचमेंट होगी तो फिर इंशाल्लाह नमाजें भी पढ़ पाऊँगा, जुमा भी पढ़ूँगा। आप दुआ करें कि मेरे लिए आसानी हो जाए, कुछ ही तक पहुँच जाए तब है तो इंशाल्लाह कर। जी जी जी, जमात की सूरत बहुत अच्छा सवाल किया आपने, वो फ्लेक्सिंग भी थी मुझे याद भी रहा।
لیکن جب آپ جماعت کے ساتھ نماز اس طرح پڑھتے ہیں کہ آپ کی ایک رکعت مس ہو گئی ہے, اس کا تو سادہ سا طریقہ ہے کہ جب امام ایک طرف سلام پھیرے گا تو جس کی ایک رکعت رہ گئی ہے وہ کھڑا ہو کے اپنی رکعت میں سبحان اللہ مکمل پڑھے, اللہ شریف پڑھے, سورت پڑھ کے اپنی رکعت کو مکمل کر دے. اگر دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ کی دو رکعتیں رہ گئی امام صاحب نے ایک طرف سلام پھیر دیا, اب وہ بندہ کہ جس کی دو رکعتیں رہ گئی ہیں وہ کھڑا ہو جائے پہلی رکعت میں سبحان اللہ علام سے اور سورت پڑھ کے رکوع سجدہ کر کے اپنی رکعت مکمل کرے, اور دوسری رکعت پھر جو ہے علام سے اور سورت پڑھ کے مکمل کرے. یہ ایک میں اور دو میں تو سادہ طریقہ ہے, صرف پریشانی بنتی ہے اس صورت میں کہ جب تین رکعتیں مس ہو جائیں, جب تین رکعتیں مس ہو جائیں یہ تھوڑی پریشانی والی صورت بنتی ہے, اور اکثر ساتھی اس میں غلطی بھی کر رہے تھے. آپ تشریف لائے ہیں, امام صاحب چار رکعت والی نماز پڑھا رہے تھے اور امام صاحب آخری رکعت میں, گویا آپ نے آخری رکعت پڑھی ہے اور تین رکعتیں آپ کی مس ہیں. ان کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ جب امام صاحب ایک طرف سلام پھیر لیں گے, یہ ایک طرف سلام پھیرنے تک انتظار کرنا ہے. کیوں انتظار کرنا ہے؟ کہ اگر اللہ نہ کرے امام صاحب نے سجدہ سہو کرنا ہو تو وہ جو ہے آپ ساتھ ادا کر دیں. اگر اس نے ایک طرف سلام پھیر دیا سجدہ سہو نہیں ہے, اب آپ نے نیکسٹ ہو کے اپنی نماز کو مکمل کریں. اب تین رکعتیں اگر رہ گئی ہے تو مقتدی کھڑا ہو, سبحان اللہ پڑھے, الحمد شریف پڑھے, سورت پڑھے, رکوع کرے, سجدہ کرے اور یہ رکعت مکمل کر کے التحیات پہ بیٹھے. کیا کرے؟ التحیات پہ بیٹھے. کیوں بیٹھے؟ یہ آپ سے کیوں بیٹھے؟ اس لیے بیٹھے کہ ایک رکعت اس نے امام صاحب کے ساتھ پڑھ لی, ایک رکعت. اب ادھر جو ہے وہ پہلی رکعت مکمل کر کے بیٹھ رہا ہے, اس لیے بیٹھے گا کہ دوسری رکعت کے بعد بیٹھنا واجب ہوتا ہے. یعنی جس طرح ہم نماز اپنی پڑھتے ہیں تو ہر دوسری رکعت کے بعد التحیات ہو, تو وہاں دوسری رکعت میں بیٹھنا واجب ہو. تو ایک رکعت وہ جو اس نے امام صاحب کے ساتھ پڑھ لی اور دوسری جو اس نے اپنی مکمل کی ہے, تو یہاں پر بیٹھنا التحیات کے لیے ضروری ہوگا. اس کے بعد پھر اس کی دو سمتل رہ جائے گی, تیسری رکعت میں جو ہے الحمد شریف اور سورت پڑھ کے مکمل کرے اور کھڑا ہو جائے, ٹھیک ہے. اور پھر آخری میں صرف الحمد شریف پڑھے, صرف الحمد شریف پڑھے, رکوع سجدہ کرے اور اس کی رکعت مکمل ہو جائے. یعنی ایک الحمد شریف والی وہ جو امام کے ساتھ اس نے پڑھی ہے اور ایک اس کی اپنی آخری جو ہے وہ الحمد شریف والی ہوگی. تو اس طرح اس کو چار رکعت مغرب میں بھی یہ کنڈیشن ہوگی, اس کی جو ہے وہ تین التحیات ہو جائے گی مغرب میں. اگر وہ اس کی دو رکعتیں رہتی ہیں نا, یعنی مغرب تین رکعتوں کی, اگر اس نے ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھی ہے تو اس کی دو رکعتیں رہتی ہیں. اب ہو چکی ہے ٹوٹل تین رکعتیں, ادھر بھی وہ اپنی پہلی رکعت مکمل کر کے التحیات پہ بیٹھے گا, کیونکہ ایک اس نے امام کے ساتھ پڑھی اور ایک یہ جو اپنی پڑھ رہا ہے, یہ دو ہو جائے گی, دو کے بعد بیٹھنا واجب ہوگا اور ادھر پھر تیسری مکمل کر کے پھر التحیات, وہاں پہ تین التحیات. سنتوں کی ترتیب میں یہ ذہن میں رہے کہ سنتوں کی ترتیب کا خیال رکھنا یہ نماز کا رکن نہیں ہے. نماز کے لیے قرآن کا مطلق اعلان ہے, فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, کہ قرآن میں سے جو تمہیں آسان لگتا ہے وہ پڑھو, لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے یا جان بوجھ کے وہ ترتیب آگے پیچھے نہ لیں. اگر اتفاقی طور پر جو ہے بعد والی سورت پہلے پڑھی گئی, پہلے والی بعد میں پڑھی گئی تو نماز ہو جائے گی, کوئی اس کی نماز پہ یہ بھی فتویٰ لگا سکتا کہ نماز نہیں ہوئی. مثال کے طور پر اس نے جو ہے پہلے جو ہے اس نے پڑھ لیا قل اعوذ برب الناس, پہلی رکعت میں پڑھ لیا, اب قل اعوذ برب الناس کے بعد جو ہے وہ پڑھنے لگا ہے سورہ فیل پڑھ رہا ہے, تو اس کی نماز ہو جائے. یعنی قرآن کو ترتیب سے پڑھنا یہ قرآن کی سنت ہے, قرآن کا رکن ہے, قلعت کا رکن, نماز کا رکن نہیں ہے. نماز کا رکن یہ بعض جگہوں پہ یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ نماز نہیں ہے, تو یہ بالکل غلط ہے, اس لیے کہ قرآن کو ترتیب سے پڑھنا نہ نماز کا رکن ہے, نہ نماز کی شرط ہے, نہ نماز کا فرض ہے. عادت نہیں بنانی چاہیے, اتفاقی طور پر اگر ترتیب آگے پیچھے ہوگی تو نماز ہو جائے. جی جی,
आप बिल्कुल अब तो हुआ रसूल तक भी अगर मुक्तदी पढ़ लेना, अब तो हुआ रसूल तक भी मुक्तदी पढ़ ले तो उसके बाद जब इमाम सलाम कह रहा है उसके साथ सलाम कह रही है। वजह यह है कि अब तो हुआ रसूल तक दुरूद शरीफ पढ़ना और दुआ पढ़ना ये सुन्नत है, ये क्या है, और इमाम की पैरवी करना वाजिब है, इमाम की पैरवी करना वाजिब है। तो वाजिब का जो दर्जा है वो सुन्नत और मुस्तहब से ज्यादा है। अगर वो उसकी भी सो भी गई है तो जो इमाम साहब ने पढ़ी है वो उसके कारण शामिल है। रोजे के बारे में क्या होता है? रोजे की हालत में ताजी मिसवाक के जिसका सहका हल्क तक पहुंच जाए वो नहीं कर सकता। अगर खुश्क मिसवाक है कि वो दो चार पांच दिन इस्तेमाल हो चुकी है और उसका सहका हल्क तक नहीं पहुंच रहा तो वो कर सकता। जो रोजे उसके मिस हुए हैं वो उसके पास पूरा साल, पूरे साल में जब मर्जी हो चुका है, जरूरी नहीं है कि फौरन बात करे, यानी पूरे साल में वो किसी भी टाइम पर उनकी गजा कर सकते। नहीं हदीस में ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई भी कहता है तो मोहब्बत तक कहता होगा कि अपना सलात पर मोहम्मद कहते हैं, ये मोहब्बत आ रही है हदीस में ऐसी नहीं देता है। अभी उसमें इजाफे का ये मतलब होता है कि ऐसा इजाफा कि जिसको दीन का हिस्सा बना दिया जाए। अब अगर ये तो जो भी कहते हैं उससे पूछना पड़ेगा कि आप जो है मोहब्बत तक कहते हैं या दीन का हिस्सा समझ के कहते हैं, तो वो अगर मोहब्बत तक कहता है और उसको दीन का हिस्सा या दूसरे पे लागू नहीं करता तो फिर तो इसमें ये बिद्दत नहीं होगा। बिद्दत या दीन में इजाफा तो तब होगा कि जब कोई बंदा अपनी बात को लोगों के लिए लागू कर दे कि मैं ये करता हूँ तो तुम्हारे लिए भी जरूरी है ये किया। ये बात आपकी जो है वो इसलिए काबिल तस्लीम नहीं है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो है दीन से रिलेटेड, नेकी से रिलेटेड है, लेकिन वो सहाबा के दौर में नहीं हुई या सहाबा ने नहीं की। मिसाल के तौर पर ये जो कुरान मजीद हमारे पास मौजूद है इस पे जबर जेर पेश के सहाबा के नाम ने नहीं लगाया, ये हजार भी यूसुफ ने लगाई थी। तो अब क्या हम इन लोगों के लिए कि जिनको जबर जेर के बारे में जो है मुकम्मल मालूमात नहीं है या जिस बुनियाद पर यह जबर जेर लगाई गई है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बे चूंकि सहाबा ने ये जबर जेर नहीं लगाया तो तुम वो कुरान पढ़ा करो जो जबर जेर के बगैर वाला है। अब ये भी है तो ये नेकी का काम कि अजनबी बंदे के सामने अगर जबर जेर पेश वाला कुरान मजीद होगा तो वो गलती नहीं करेगा और तिलावत का उसको पूरा सवाब भी देगा कि यहाँ भी ये हरकत है, यहाँ भी ये हरकत है। तो इसी तरह बहुत सारी सैसी इजादात हैं जो सहाबा के नाम के दौर में नहीं थी, उसमें यह देखा जाएगा कि नेकी का काम अगर कुरान और हदीस के खिलाफ है, यानी कुरान और हदीस उसकी तायीद नहीं कर रहे तो उसको मना कर दिया जाएगा। अगर वहां पर कुरान हदीस खामोश है तो वहां पर मना नहीं होगा बल्कि वो उसकी मर्जी पे छोड़ा जाएगा। अगर वो अपनी मोहब्बत और पसंद पे करता है तो जायज है, अगर दीन का हिस्सा समझ के करता है तो फिर वो नाजायज होगा। अल्लाह ताला के फरात और तौफीक से मौजूद اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار
وتسكيل قرآن الحاضرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.